जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लोग इस दुनिया में किस किस तरह के लोग होते हैं, और जो कि रियलिटी है, सच्चाई है। तो वीडियो में मैं आपसे कुछ दो शब्द मैं आपसे बोलूँगा और आप उनको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखिए, जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है, मतलब कि आप उस वीडियो को देख पाएं। दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग वीडियो को ना पूरी नहीं देखते और वो आधी अधूरी बीच में देखते हैं और फिर मुझसे कई कई लाइनों में पूछते हैं वो कि उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के करके बैठें या दीपक कौन सा रखें या इसमें फूल भी चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया वीडियो को एक बार पूरी देख लेना, तो दोबारा से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई मेन पॉइंट है आपका, कोई एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, आप पूछ सकते हो, लेकिन वो लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे, एक बात मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, मैंने सिर्फ आपसे आज कोई साधना नहीं दे रहा हूँ, मैं आज मैं आपसे कुछ दो बातें करना चाहता हूँ बस, कि मेरे मन में आया कि मैं आज अपने व्यूअर्स से कुछ बातें करूं। तो देखिए, मैं तो समझता था कि वास्तव में लोग जो YouTube पर हैं, जो YouTube चैनल चला रहे हैं, खैर मैं तो एक हूं, लेकिन और भी बहुत से लोग हैं जो YouTube चैनल चला रहे हैं अपने, कोई किसी टॉपिक पे चला रहा है, कोई किसी टॉपिक पे चला रहा है, लेकिन खासकर जो आध्यात्मिक के चैनल हैं, तंत्र मंत्र ज्ञान संबंधित चैनल हैं, उनको लोग सब बुरा बताते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा कर लिया, मेरे पैसे ले लिए, इतने मेरा काम नहीं किया, इतने पैसे मैं बर्बाद कर चुका हूँ, वहाँ पर इतने पैसे दे दिए, मेरा काम नहीं हुआ और अब जो है फ़ोन बंद कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो मैं समझता था कि वास्तव में ही चैनल वाले ऐसा करते हैं, पर लेकिन वो तो करते हैं या ना करते हैं वो तो वो जाने, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे हैं जो काम अपना करवाना चाहते हैं कि वो भी दो नंबरी हैं, पूरे एक कदम आगे हैं हमसे भी। अब वो कैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मेरे साथ में ये हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि पहले करीब 4-5 महीने हो गए, तो मैंने कुछ सामग्री भेजी थी। सामग्री भेजने के बाद मेरे पास में कॉल या फिर मैसेज आया उनका कि जी सामग्री में आपकी ये वाली सामग्री नहीं है। खैर, मैंने सामग्री उस, मुझे पता है कि मैंने सामग्री सब कुछ डाल के दिया, मैंने अपने हाथों से पैक किया है। ठीक है, और मुझे पता भी लग गया कि चलो वास्तव में बंदा झूठ बोल रहा है। खैर, वो छोड़ दीजिए। अब दूसरा क्या आता है कि मुझसे रुद्राक्ष की माला मंगवाई गई, और रुद्राक्ष की माला मैंने बाय पोस्ट उनको भेज दी और माला उनको मिल भी गई। उसके बाद उनका मेरे पास में मैसेज आता है कि मुझे सामग्री नहीं मिली। अब मैंने उनको स्लिप जो थी, हालांकि मैं स्लिप पहले ही भेज देता हूँ, जब मैं सामग्री को स्पीड पोस्ट देता हूँ तो मैं भेज देता हूँ स्लिप उनके व्हाट्सएप पर, और मैंने उनको स्लिप भेज दी थी। तो उनको नहीं पता था कि ये ट्रैकिंग नंबर भी है इसमें। अब मैंने उसको स्लिप को देख करके और ट्रैक किया उसको,
ट्रैक किया तो उसमें दिखाया कि आइटम को रिसीव कर चुके हैं। मैंने उनको मैसेज किया कि भैया तुम अपने आइटम को रिसीव कर चुके हो तो फिर ये इस तरीके से क्यों, और इस डेट में रिसीव हुआ है। मैंने उनको स्क्रीनशॉट खींच करके भेज दिया। खैर उसके बाद उनका कोई फिर मैसेज मेरे पास नहीं आया। दूसरा अभी की बात है, एक और मेरे पास ऐसे ही मैसेज आया। उनको मैंने दिसंबर में भेजी थी सामग्री, 14 दिसंबर को मैंने पोस्ट किया था यहाँ से, और उनको 24 दिसंबर में रिसीव हो गई। पहले उन्होंने मुझसे मैसेज करके कहा कि जी सामग्री मुझे नहीं मिली है, तो इससे तो अच्छा है कि आप मुझे मेरे पैसे दे दो। खैर मैंने जब सामग्री अपने हाथ से पोस्ट की है, उनको ताबीज था, एक वशीकरण ताबीज मैंने उन्हें भेजा था, तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो मैंने उनका आईडी पर जो मैंने उनकी रसीद थी वो रसीद निकाली और मैंने उसको ट्रैक किया। जब उसको मैंने ट्रैक किया तो मैंने उसमें पाया कि 24 तारीख को वो रिसीव कर चुके हैं। अब मैंने फिर उनको बोला कि भाई आप रिसीव कर चुके हो और ये देखो स्क्रीनशॉट। बोले जी वो हमारे यहाँ जो पोस्टमैन है वो बड़े हरामी हैं, वो तो उन्होंने मुझे तो खाली मिला था, उसमें कुछ था ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे, खाली मिला था उसमें कुछ था नहीं तो भैया तुमने लिया क्यों? अरे जब वो खाली था तो तुम उल्टा भेज देते ना उसको, वो मेरे पास लेकर के आता उल्टा। अगर अगर सामग्री डिलीवरी नहीं होती है तो वापस मेरे पास आएगी, बीच में पोस्ट में कोई भी उसको नहीं खा सकता है, वो मेरे पास उल्टी आएगी सामग्री। तो फिर तुमने उससे खाली ले क्यों लिया, रिसीव क्यों कर लिया तुमने उनसे खाली? उनको सीधा सीधा बोलते भैया इसमें कुछ नहीं है, इसको तुम वापस करो। और फिर तुम मुझसे दिसंबर के महीने में मैंने पोस्ट किया है, दिसंबर में तुमने मुझे पेमेंट किया, और उसके बाद अब क्या चल रहा है? अब मार्च का महीना चल रहा है, मार्च में तुम मुझसे ये बात कह रहे हो कि मुझे सामान नहीं मिला। भैया 3-4 महीने तुम कहाँ गायब रहे फिर? अगर कोई व्यक्ति पैसा देता है और उसको सामग्री नहीं मिलती है तो वो तभी कहेगा कि मुझे सामग्री नहीं मिली, वो 3 महीने बाद कहेगा क्या कि मुझे सामग्री नहीं मिली? तो भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं। खैर हालांकि मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन अगर वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो यार मतलब कि मैं खुद हैरान हूं कि वास्तव में यार वो लोग जो YouTube वाले करते हैं ना, वो तो वो सही भी करते हैं किसी हद तक, कि जैसे दूसरे हैं वैसे ही वो भी बन गए। लेकिन यार आप ये सोचिए कि आप कह किससे रहे हो? क्या यार मुझे पता नहीं है कि आपको माल डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है? मैं सामग्री भेज रहा हूँ, मैं चैनल चला रहा हूँ, मैं तुम्हें साधनाएं दे रहा हूँ, क्या मुझे नहीं पता? पागल हूँ मैं कि भाई मुझे नहीं पता लगेगा कि तुमने सामग्री ले ली है या तुम्हारे पास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। तुम बहुत बड़े माइंडेड आदमी हो कि भाई हाँ मैंने ले लिया, मतलब कि सामग्री भी ले ली उल्टे पैसे भी ले लूँ, बहुत अच्छे यार। जब तुम लोग, तुम्हारे अंदर इतना कपट भरा है तो तुम लोग साधना कैसे करोगे? मेरी ये समझ में नहीं आता, साधना तुम्हें कैसे सिद्ध होगी? साधना हो ही नहीं सकती सिद्ध, किसी भी सूरत में नहीं सिद्ध हो सकती। चाहे पूरे जीवन तुम घुटने टेक दो, पूरे जीवन माला रट लेना, लेकिन साधना सिद्ध नहीं होती ऐसे लोगों को जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि साधना आपको सिद्ध होगी या नहीं होगी। कोई किसी को नहीं साधना करवा सकता है, साधना तो खुद ही करनी पड़ती है। तो इसलिए इस तरह की जो बातें हैं भाई वो सब मत कीजिए, और ख़ास करके यार कम से कम मेरे साथ तो मत करो। जब मैं किसी के साथ में गलत नहीं करता हूँ, मैं किसी के पैसे ले करके सोचता हूँ कि इसको सामग्री टाइम से मिल जानी चाहिए,
अगर मैं किसी से पैसे ले लेता हूँ तो मुझे मुझे फिक्र होती है कि इसको मुझे कुछ देना है, मेरे पास इसका पैसा ना रह जाए, इसको पहले मिलना मिल जाना चाहिए सामान टाइम से। और जब मैं इतना सोचता हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, और वैसे तुम बोलते हो गुरुदेव, गुरुजी, फलाना ढेकड़ा, घंटा यार गुरुजी, काहे का गुरुजी, समझे? तो फिर दुख होता है। खैर, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि भाई सुधरो, अपने आप को संभालो, अपनी नियत को बदलो और अपने विचारों को चेंज करो, तभी आपको कोई साधना सिद्ध हो सकती है। और खास करके अप्सरा साधना तो सिद्ध हो ही नहीं सकती है ऐसे व्यक्ति को, मैं लिख करके देता हूँ, नहीं हो सकती है, गारंटी है। एक साल नहीं 10 साल व्यक्ति जो है ना माला रगड़ लेना, कुछ नहीं हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को अगर उनके अंदर इतना कपट भरा है। अप्सरा तो इतनी सौम्य होती है, इतनी निश्चल प्रेम करने वाली होती है कि उसे तो फूलों से प्रेम है, तो तुम तो वो तुम्हारे पास कैसे आ जाएगी? जिसके अंदर इतना कपट भरे होंगे, ऐसी कपट भरी जिंदगी होगी जहां पर, तो वहां कैसे आ जाएगी अप्सरा? कोई मतलब ही नहीं होता। खैर, इन सब बातों को मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, पर बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा मत करना बिल्कुल भी, समझे? अगर आपको जीवन में साधना करनी है, साधना के क्षेत्र में उतरना है और सिद्ध होना है, तो फिर इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको, साइड रख देना बिल्कुल एकदम। तो ठीक है, फिर इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो मुझे बताना था, कहना था, वो मैंने कह दिया। तो बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।